to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss thin lens formula. जैसे कि आपको पता है कि lenses कितने तरह के हैं, two types के. So हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि lenses कितने तरह के हैं, two types के. Number one is a convex lens. ठीक है जी, ये रहा आपका convex lens. So इस तरीके का है, साइड से पतला और सेंटर में से क्या है ये थोड़ा सा मोटा. ठीक है, सो सेकेंड टाइप आपके पास क्या है, कनकेव लेंस. सो सेकेंड टाइप इज कनकेव लेंस. सो कनकेव लेंस की शेप किस तरीके की है, साइड से मोटा और सेंटर में से थोड़ा सा पतला. क्लियर हो गई इतनी बार. सो हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों लेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे कि इसके कैसे केस हैं और इसके कैसे केस हैं. इतनी बात हुई क्लियर. सो ध्यान से देखिए, कन्वेक्स लेंस में अगेन फर्दर टू टाइप्स और हैं. इसका मतलब जैसे ही आप कन्वेक्स लेंस के सामने अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये रियल इमेज भी बना सकता है और ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है. सो याद रखना, ये रियल इमेज भी बना सकता है और ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है. सो इसमें दोनों तरह के केसेस आएंगे. जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस ओनली क्या करेगा, आपका वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करेगा, ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा. इतनी बात हो गई क्लियर. सो इसमें क्या है, रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज. इसमें क्या है, ओनली वर्चुअल इमेज. चलिए हम एक एक करके इन तीनों लेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे, तीनों केसेस को एक्सप्लेन करेंगे. टू टाइप के लेंजेस है और थ्री केसेस है. कन्वेक्स लेंस में दो केसेस है, रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज. कनकेव लेंस के अंदर एक ही केस है वर्चुअल इमेज वाला. इसका मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वेक्स लेंस के साथ. सो फर्स्ट हमारा केस है लेंस फॉर्मूला फॉर अ कन्वेक्स लेंस. सो अगर आपको एग्जाम में आए कि लेंस फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है, सो इट्स योर विश. आपके पास क्या है, तीन केसेस है, तीन केसेस में से जो मर्जी आप लोग कर सकते हो. यू कैन आइदर चूज कन्वेक्स लेंस with real image, you can choose convex lens with virtual image, or you can choose concave lens with virtual image. इतनी बात हो गई क्लियर. अब मान लीजिए आपके एग्जाम में आया कि आपने लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है बट कन्वेक्स का करना है. ठीक है, इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. इसका मतलब आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस है, यू कैन चूज कन्वेक्स लेंस विद रियल इमेज और कन्वेक्स लेंस विद वर्चुअल इमेज. बट समटाइम ऐसा भी है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव लेंस फॉर्मूला फॉर अ कन्वेक्स लेंस व्हेन अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, देन आपको रियल वाला केस ही करना पड़ेगा, देन आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है. इतनी बात हो गई क्लियर. काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जब कन्वेक्स लेंस आएगा तो अब कौन सा केस करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना. अगर ओनली लेंस फॉर्मूला आएगा तो आपके पास थ्री केसेस हैं, आप तीनों में से कोई भी केस जो है ड्राइव कर सकते हैं. सो फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वेक्स लेंस, लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस. सो यहां पे लिखेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म, when real image is formed. So हमारा first case है convex lens का. Clear हो गया. So हम लोग ये वाला जो case है वो discuss करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, diagram के ऊपर focus करना है. So सबसे पहले आपने एक चीज लिखनी है, आपको हल्की फुल्की इसकी definition देनी पड़ेगी कि convex lens क्या है. So उसकी the relation among the distance of the object, डिस्टेंस ऑफ द इमेज. अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यू. डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है आपकी, वी. एंड द फोकल लेंथ क्या है आपका, आर. इन तीनों के रिलेशन को एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस इज नोन एज अ लेंस फॉर्मूला. सो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेंस फॉर्मूला. ठीक है, इन तीनों के रिलेशन को. सो हमने ये वाला रिलेशन ड्राइव करना है. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसिडर, यहाँ पे मैं थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग अपनी नोट्स पर नोट डाउन कर सकते हैं. कंसिडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ. सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस लेना है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस लेंगे. सो सबसे पहले आप करेंगे कन्वेक्स लेंस. ठीक है,
इट शुड बी थिन, ज्यादा मोटा नहीं बनाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में इस तरीके से मोटा सा लेंस बना देते हैं। सो मोटा सा लेंस नहीं बनाना। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको इस वीडियो के अंदर सारी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी कि आपने एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। सो इस तरह से मोटा लेंस नहीं होना चाहिए, सो पतला लेंस ही आपने लेना है। सेकेंड, आपने क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल सेंटर में से जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में से पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसका सेंटर बना लीजिए, स्केल लीजिए और बिल्कुल सेंटर में से आपकी लाइन जानी चाहिए। ठीक है, अब मिस्टेक बता देती हूँ कि बच्चे इस तरीके का एक लेंस बनाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है। ध्यान दीजिए आपका सेंटर कहाँ पे है, ये रहा, लेकिन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये रही। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे मोस्टली एग्जाम के अंदर इसे करते हैं। सो ट्राई करें कि अपनी जो पॉइंट है, आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो बिल्कुल सेंटर में से जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका पॉइंट सी है, सेंटर पॉइंट है। सो सी सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि दिस इज द सेंटर पॉइंट सी। क्लियर हो गया। अब हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपको जो ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, अगर फोकस से पहले रखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे एक फोकस बना लो। ठीक है, फोकस के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी। अगर फोकस और सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर फोकस के पीछे रखेंगे तो क्या होगा, आपका रियल इमेज बनेगी। सो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बना दूंगी कि इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो हमें क्या चाहिए, इसमें रियल इमेज चाहिए। रियल इमेज के लिए हमें क्या करना है, फोकस से पीछे रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फोकस से पीछे रखना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक बना दी इस इमेज। ध्यान रखना आपका एरो जो है उसका ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, एरो दोनों तरफ बना देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसको रटना नहीं है, ए बी आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी ए नाम दो और जिस मर्जी को बी नाम दो। अब देखिए आपने क्या करना है, एक आपने क्या करना है, थोड़ी सी इमेज थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं ताकि रे ऑफ लाइट हमें लेनी थोड़ी इजी हो। सो ये रहा बी पॉइंट। अब अपना स्केल लीजिए, स्केल लेकर आप इसका सेंटर इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कहां तक आपने लाइन लेनी है। सो ए से लेकर बी तक लाइन जाएगी। ठीक है, अब मैं ब्लू पेन यूज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही ये बेंड होगी तो ऑलवेज फोकस कितना, ये रहा आपका फोकस। सो यहाँ पे आप अपना फोकस बना सकते हैं, जितना ये फोकस है उतना ही यहीं पे फोकस भी आप बना सकते हैं। सो दोनों फोकस की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। सो ये रहा फोकस में से आपकी ये वाली रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी। एरो बनाना मत भूलना, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी लाइन। ठीक है, थोड़ी सी भी बेंड नहीं होनी चाहिए। सो मस्ट यूज पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, मैं अभी स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, आप लोग पेंसिल और स्केल के साथ ड्रॉ करें ताकि आपकी बिल्कुल एक्यूरेट इमेज बने। अब स्केल रखें बी पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर, इस तरीके से इसे मीट करें और इसे बिल्कुल सीधा जाने दें। जहां पर भी आपकी लाइन जा रही है इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाने दें। ठीक है, जा रही है आपकी लाइन, देख रहे हैं कि कहीं पे भी आपकी रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे ताकि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कहीं पे मीट कर जाए, इस तरीके से। ठीक है, सो आप लोग स्केल यूज कर सकते हैं, स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं। सो आप चाहे तो अपनी कॉपी पे भी अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल ही यूज करनी होगी। ठीक है, अब देखिए कहीं एक पॉइंट पे आपकी जो दोनों रेज ऑफ लाइट है वो बिल्कुल मीट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी क्या होगी, इमेज बन गई। सो प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्रीज किया और ट्राई करो कि इसे डॉटेड लाइन में शो करें। ठीक है,
डॉटेड लाइन का मतलब ये आपकी क्या बन गई, इमेज। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा पॉइंट था, ए, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ए। अब ये क्या होगा, ए डैश, क्योंकि दो इक्वेशंस को हम लोग सेम वेरिएबल के साथ शो नहीं कर सकते। सो एरो वाला पोर्शन क्या है आपका, बी। सो ये रहा एरो वाला पोर्शन, सो दिस इज बी डैश। क्लियर हो गई। सो सिर्फ इतनी ही डायग्राम थी, इसके अलावा आपने कोई ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आप इसके एरो जरूर लगा दीजिए कि इस तरफ आपके जो रेज ऑफ लाइट है वो जा रही है। इसके भी ऑप्टिक्स के अंदर इसका स्पेशल अलग से मार्क्स होते हैं, अगर आप एरो डालना भूल जाते हैं तो आपके वहां पर जो नंबर है वो कट होंगे, ठीक है। सो मेरी ए बी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। सो ए बी लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर हो गया सर, इतनी ही डायग्राम थी। अब करेंगे मैथमेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल पोर्शन के लिए क्या करना है, हमें स्टेप वाइज इसको ध्यान से देखना है। सो स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप वन में क्या करना है, अब ध्यान दीजिए आपके पास कौन कौन से पॉइंट है जिससे हम लोग इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। या तो हमारे पास सी है या फिर एफ। एक बार आपने क्या करना है, ए बी सी, एक बार आपने सी लेना है और दूसरी बार आपने क्या लेना है, एफ लेना है। इसका मतलब एक बार सी की हेल्प से लिखेंगे। सो सी की हेल्प से क्या बनेगा, ए बी सी। देखिए ये प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी तरफ हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ए डैश बी डैश सी। देखिए बन रही है ए डैश बी डैश सी, सो प्रॉपर ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। सो लिखना कैसे है, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओवर इमेज भी लिख सकते हैं। सो क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट ओवर इमेज। सो ये चीज सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट ओवर इमेज। आपने ये वाली चीज अपनी नोटबुक पे नहीं लिखनी। सो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ए बी। सो यहाँ पर लिख दिया ए बी डिवाइडेड बाय इमेज। इमेज आपके पास क्या है, ए डैश बी डैश। सो यहाँ पे लिख दिया ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, इन दोनों का ही डिस्टेंस लेना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखिए लेंस की कितना है, ए से लेकर सी तक, बट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर या फिर पोल। सो सी को प्रेफरेंस देनी है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सी से लेकर ए तक डिवाइडेड बाय इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, सी से लेकर बी डैश या ए डैश तक, ठीक है, सी से लेकर बी डैश तक। सो इसे किस तरीके से लिखेंगे, ए डैश तक, ये रहा आपका ए डैश, सो सी से लेकर ए डैश। सो यहाँ पे लिख दिया सी ए डैश, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ लग गई। सो ऑब्जेक्ट ओवर इमेज आपने नहीं लिखना है। सो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोगों ने किसके साथ लिखना है, एफ के साथ। अब एफ के साथ किस तरीके से लिखेंगे, Similarly, अब F वाली टर्म ले लीजिए, F आना चाहिए बीच में, इसका मतलब ए बी एफ। देखिए ट्रायंगल नहीं बन रही, नहीं ना ट्रायंगल बन रही, लेकिन ए बी पोर्शन कितना है, जितना कि सी डी पोर्शन है। ये वाले पॉइंट को नाम दे दीजिए डी। अब ए बी उतना है जितना कि आपका सी डी है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है सी डी एफ। ये पोर्शन क्लियर हो गया बेटा, हम लोग ए बी सी हमारा इस तरीके से बन रहा है। सो ये ट्रायंगल नहीं है, सो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया सी और डी। सो ये बन गया सी डी एफ, ये प्रॉपर ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग सी डी एफ ले रहे हैं। सो ट्रायंगल कौन सा चूज किया हमने, सी डी एफ। एंड सेकेंड ट्रायंगल देखिए, एफ ये रहा, सो ए डैश बी डैश एफ, ये तो प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको एस सच लिख देंगे, ए डैश बी डैश एफ। इतनी बात हो गई क्लियर, ट्रायंगल्स लेने आपको समझ लग गए कि ट्रायंगल्स किस तरीके से ले रहे। सो किस तरीके से लिखना था, ऑब्जेक्ट ओवर इमेज। सो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, सी डी। सो यहाँ पे लिख दिया सी डी डिवाइडेड बाय इमेज। इमेज आपके पास क्या है, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, उन दोनों का ही डिस्टेंस लेना है। सो सी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, ये रहा सी एफ डिवाइडेड बाय इनका डिस्टेंस, एफ तक लेना है, सो एफ ए डैश, सो एफ ए डैश। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, या इसे सेकेंड मत दीजिए, हम लोग लिख रहे हैं कि वेयर वेयर जो सी डी है वो किसके इक्वल है,
एबी के इक्वल. सो सी डी किसके इक्वल है? एबी के इक्वल. इतनी बात हो गई क्लियर कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल है. सो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं सी डी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो इक्वेशन नंबर सेकेंड तक सबको क्लियर हो गया कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व करा है. सो नेक्स्ट देखिए, नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर वन एंड टू. अब इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर करेंगे. अब ध्यान से देखिए, ये क्या है ए डैश बी डैश ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश. सो ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल. सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा? सो हमारे पास आएगा सी ए डिवाइडेड बाई सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश. अब ध्यान दीजिए, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर. सो हमें सेंटर से सारी डिस्टेंस लेनी थी. इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी, इसमें भी सी, लेकिन एफ ए डैश में सी नहीं आ रहा. सो एफ ए डैश को हमें सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो एफ ए डैश को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सी के फॉर्म में. सो सी के फॉर्म में हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अब सी ए डैश ध्यान से देखिए, ये रहा आपका एफ ए डैश, ये रहा आपका एफ ए डैश, यही है. हमें क्या चाहिए? बीच में सी, इसका मतलब हमें यहां तक चाहिए. अगर हम सी ए डैश में से इतना पोर्शन माइनस कर दें तो आपका इतना पोर्शन आ जाएगा. सो हमने क्या किया, सी ए डैश, सो क्या लिख रहे हैं, टोटल कितना है सी ए डैश, माइनस कर दिया सी एफ को, सी एफ को. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ए डैश. इतनी बात हो गई क्लियर. एफ ए डैश हमें चाहिए था, एफ ए डैश इतना टर्म चाहिए. सो सी ए डैश में से हमने सी एफ माइनस कर दिया, इतनी टर्म बच गई. इसका मतलब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका मतलब हमने एफ ए डैश की जगह पर क्या लिख दिया, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी ए डिवाइडेड बाई सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ की जगह पर सी एफ, एफ ए की जगह पर हम सी की फॉर्म में लिख रहे हैं सी ए डैश माइनस सी एफ. हो गई इतनी बात क्लियर. अब देखिए, सारी टर्म हमारी सी की फॉर्म में आ गई. जब सी की फॉर्म में आ गई तो इसके हम लोग साइन कन्वेंशन लिखेंगे, ठीक है. सो साइन कन्वेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला पोर्शन तो हमें नहीं चाहिए, सो दैट्स वाई मैं इसको रब कर रही हूं. सिर्फ सी ए डैश वाली टर्म चाहिए, सो मैंने इतना टर्म रख लिया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, टेक साइन कन्वेंशन. स्टेप टू में हमने क्या करना है, टेक साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस क्या है, जो आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव में टर्म्स लेंगे वो आपकी साइन कन्वेंशंस है, ठीक है. सो साइन कन्वेंशंस किस तरीके से लेना, याद रखना सिंपल टर्म याद रखनी है कि जो आपकी लेंस के बिल्कुल सामने वाला पोर्शन है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव. जो इस तरफ वाला पोर्शन है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव, ठीक है. अब देखिए, सी ए, सी ए क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, यू. लेकिन इस तरफ वाला पोर्शन हमने क्या लेना था, नेगेटिव. सो हमारा क्या आ गया, सी ए की जगह पर क्या आ गया, माइनस यू. क्लियर हो गया इतनी बात. आप लोग यहां पर लिख भी सकते हैं कि सी ए की वैल्यू हम लोग कितनी ले रहे हैं, माइनस यू. देन सी ए डैश, सी ए डैश आपका क्या है, सी से लेकर ए डैश, सी से लेकर ए डैश. सो ये क्या है आपकी इमेज, वी. वी आपने किसमें लेनी है, पॉजिटिव में. नेक्स्ट क्या है, सी एफ, सी से लेकर एफ तक, ये भी उस तरफ है. सो उस तरफ वाली टर्म हमने क्या लेनी थी, पॉजिटिव. सो पॉजिटिव के एफ. सो इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें. सो यही टर्म हम यहां पर पुट कर रहे हैं. मान लीजिए इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे दीजिए. नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री. सो इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे, व्हाट इज सी ए, सी ए की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस यू. डिवाइडेड बाय सी ए डैश आपका कितना है, वी.
बच्चे ध्यान रखना, यू और वी में डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये आपका यू है और ये आपका वी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यू को भी इस तरीके से बना देते हैं और वी को इस तरीके से, सो पता ही नहीं चलता वी कौन सा है और यू कौन सा है। सो ध्यान रखना, यू और वी का डिफरेंस दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय सी ए डैश की वैल्यू कितनी है, वी, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, एफ। सो ये रही आपकी एफ, क्लियर हो गया। नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे, इसको इसके साथ। मैंने रेड कलर का मार्क किया है आपको समझाने के लिए, आप अपनी फेयर नोटबुक पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो माइनस यू को मल्टीप्लाई करें वी माइनस एफ के साथ और वी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करें। सो माइनस यू एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस तरीके से हमारी एक टर्म आ गई, ठीक है। अब U वाला पोर्शन हमें ऑलवेज क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, ठीक है। सो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड U भी आपके साथ। सो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। अब यू वी एफ के साथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट यू वी एफ प्लस यू एफ, यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ। अब ध्यान दीजिए, इसमें से अगर कोई टर्म आपस में कट हो रही है तो कट कर दो, यू एफ के साथ यू वी कट, यू वी के साथ यू वी कट, यू एफ के साथ यू एफ कट, वी एफ के साथ वी एफ कट, ठीक है। इतना बात होगी क्लियर। अब जो टर्म बच गई वो लिखें, क्या बच गया, वन ओवर एफ प्लस वन ओवर वी इज इक्वल टू वन ओवर यू, ठीक है जी। अब हमें u इस तरफ चाहिए, u को अगर 1 ओवर u को इस तरफ लेकर आएंगे तो आपकी नेगेटिव में टर्म आएगी। सो दिस इज 1 ओवर u, 1 ओवर v को इसी तरफ रहने दिया, ये वाला 1 ओवर f दूसरी तरफ जाएगा, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। सो यहां पे लिख रही हूं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास। सो ध्यान से देखिए, 1 ओवर f को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 1 ओवर u को इस तरफ, सो दिस इज 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f को दूसरी तरफ लेकर गए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। फाइनली वी गेट लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं विच इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है, फॉर कन्वेक्स लेंस भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख दोगे तो आपका पूरा कंप्लीट है। सो अगर इस पूरे आर्टिकल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या आपको डायग्राम में क्लियर ना हो या फिर किसी मैथमेटिकल पोर्शन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।